टोक्यो पैरालंपिक में भारत की पैरा एथलीट सोनल पटेल को टेबल टेनिस स्पर्धा में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें महिला सिंगल्स क्लास 3 ग्रुप डी के मुकाबले में चीन की खिलाड़ी ली कियान 3-2 से हारा। इस तरह भारत की टोक्यो पैरालंपिक में पहले दिन निराशाजनक शुरुआत हुई। इस मुकाबले में सोनल ने शानदार शुरुआत की और पहला गेम 11-9 से 6 मिनट में जीत लिया। उन्होंने अपने प्रदर्शन से विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त और रियो पैरालंपिक में रजत पदक विजेता ली कियान को चौंकाया। एक बार सोनल जीत के करीब आ गई थी। चीनी खिलाड़ी ने वापसी करते हुए सोनल को मात दी और भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी सोनल अब 26 अगस्त को दक्षिण कोरिया के खिलाफ मैच खेलेंगी। यह मैच 8:40 पर होगा। तो दोस्तों, यह छोटी सी जानकारी कैसे लगी और सोनल के लिए आप लोगों का क्या कहना है, कौन सा पदक जीत कर लाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों,